नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज सिविल सेवा दिवस है। इसी दिन 1947 में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नव नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम बताया था। यह दिवस राष्ट्र को समर्पित सिविल सेवकों के राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाता है। सिविल सेवा दिवस मनाने की शुरुआत 21 अप्रैल 2006 से हुई। इस साल 16वां सिविल सेवा दिवस समारोह मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज उनकी सरकार का ध्येय नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट है। आज की सरकार की प्राथमिकताओं में वंचितों को वरीयता है। वो दिल्ली में सिविल सेवा दिवस पर अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, अब सरकार सबके लिए काम करने की भावना के साथ समय और संसाधन का किफायत के साथ उपयोग कर रही है। 16वें सिविल सेवा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल का कालखंड भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जितने बड़े अवसर लेकर आया है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। विकसित भारत के लिए, व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए अब देशवासी और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। आजादी का ये अमृतकाल, ये टाइम पीरियड भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जितने बड़े अवसर लेकर आया है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद, तेज गति से हासिल हुई सफलताओं के बावजूद, मैं इसे चुनौती क्यों कह रहा हूं? और मैं मानता हूं कि इस बात को आपको भी समझना होगा। आज भारत के लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए, व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए अब देशवासी और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। देश के लोगों की इस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हम सबको, आपको पूरे सामर्थ्य से जुटना ही होगा। तेजी से निर्णय लेने होंगे, उन निर्णयों को उतनी ही तेजी से लागू करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व की भी भारत से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये कह रही हैं कि भारत का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में भारत की ब्यूरोक्रेसी को एक भी पल गंवाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी सेवा में उनके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देशहित होना चाहिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये कह रही है कि भारत का समय आ गया है, इंडियाज टाइम हैज अराइव। ऐसी स्थिति में भारत की ब्यूरोक्रेसी को एक भी पल गंवाना नहीं है। आज मैं भारत की ब्यूरोक्रेसी से, भारत के हर सरकारी कर्मचारी से, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में, मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। हो सकता है फील्ड में आपको किसी एक व्यक्ति के लिए कोई फैसला लेना हो, किसी एक समूह के लिए कोई फैसला लेना हो, लेकिन तब भी आप ये जरूर सोचें कि मेरे इस निर्णय से, निर्णय भले ही छोटा क्यों ना हो, मेरे इस निर्णय से देश का क्या भला होगा। यानी
आपके लिए कसौटी देश हित ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा लोक सेवक आजादी के इस अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15 या उससे अधिक समय तक इस सेवा में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए जरूरी है कि भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे और उनके सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। आपको इस कालखंड में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आजादी के अमृत काल में देश के स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का दायित्व तो हम सभी पर है। हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है लेकिन हौसला कम नहीं है। हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे, ज्यादा ऊंचे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है उसने हमारे देश को बहुत ऊंची छलांग के लिए तैयार कर दिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है लेकिन परिणाम बदल गए हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जन केंद्रित शासन होता है तब विकासोन्मुखी शासन होता है तो वो समस्याओं का समाधान भी करता है और बेहतर नतीजे भी देता है। उन्होंने कहा कि सुशासन में जनता के प्रति जवाबदेही होती है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आपको ये याद रखना होगा कि एक अवसर के रूप में आपकी सफलता इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया। आपकी सफलता का आंकलन इस बात से होगा कि आपके काम से, आपके करियर से दूसरों का जीवन कितना बदला है। लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ऐसी ज्वलंत इच्छा से ही आप एक ऐसी विरासत छोड़ जाएंगे जिसे लोग याद करेंगे। आपको यह भी याद रखना होगा कि एक अफसर के रूप में आपकी सफलता इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया। आपकी सफलता का आकलन इस बात से होगा कि आपके काम से, आपके कैरियर से दूसरों का जीवन कितना बदला है। जिनका जीवन बदलने की जिम्मेदारी आपके पास थी वे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए आपको यह हमेशा याद रखना है, गुड गवर्नेंस इज द की। जब पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस होती है, जब डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस होती है तो वो समस्याओं का समाधान भी करती है और बेहतर रिजल्ट भी देती है। गुड गवर्नेंस में जनता के प्रति जवाबदेही होती है। एक ही राज्य में एक जिला अच्छा परफॉर्म करे और दूसरा न करे तो इसके पिछले असली वजह गुड गवर्नेंस का अंतर ही होता है। हमारे सामने
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का उदाहरण है। हमने जब जोश से भरे देश के युवा अफसरों को वहां नियुक्त किया, उन्हें गुड गवर्नेंस के लिए प्रेरित किया, तो नतीजे भी बेहतरीन आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया है। आज सिविल सर्वेंट्स के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है, जिसका मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि कर्मचारियों की ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। बीते वर्षों में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है, ये बंधन का प्रोटोकॉल और हायरार्की का बंधन। आप जानते हैं कि हायरार्की के बंधनों को तोड़ने की शुरुआत भी मैंने खुद की है। मैं लगातार सेक्रेटरी से लेकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी तक से मिलता हूं, मैं ट्रेनी अफसरों के साथ मुलाकात करता हूं। हमने डिपार्टमेंट के भीतर हर किसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए आइडियाज के लिए केंद्र सरकार में भी चिंतन शिविर को बढ़ावा दिया है। हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बदलाव आया है। पहले वर्षों तक राज्यों में रहने के बाद ही अधिकारियों को डेप्यूटेशन पर केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव मिलता था। ये किसी से और किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर इन अधिकारियों के पास केंद्र सरकार में काम का अनुभव ही नहीं होता तो वो केंद्र के प्रोग्राम्स को जमीन पर लागू कैसे करेंगे। हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के जरिए इस गैप को भी भरने का प्रयास किया। अब युवा आईएएस अपने कैरियर की शुरुआत में ही केंद्र सरकार में काम करने का, उनके अनुभव लेने का मौका मिलता है। सीनियर मोस्ट लोगों के साथ उसको कुछ सीखने को मिलता है। हमें इस तरह के इनोवेशन को आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों को परिणामों के लिए और शिखर पर ले जाने के लिए निरंतर कोशिश करनी है। सिविल सेवा दिवस पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए 25 वर्षों की अमृत यात्रा को देश ने कर्तव्य काल माना है। उन्होंने कहा कि आजादी की शताब्दी देश की स्वर्ण शताब्दी तब होगी जब हम कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता देंगे। कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय तेजी से बदलाव का समय है। आपकी भूमिका भी आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्यों उनके पालन से तय होगी। नए भारत में देश के नागरिक की ताकत बढ़ी है, भारत की भी ताकत बढ़ी है। इस नए उभरते भारत में सिविल सेवकों को अहम भूमिका निभाने का अवसर मिला है। कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। यह समय तेजी से बदलाव का समय है। आपकी भूमिका भी आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी। नए भारत में देश के नागरिक की ताकत बढ़ी है, भारत की भी ताकत बढ़ी है। इस नए उभरते भारत में आपको अहम भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आजादी के 100 साल बाद जब इतिहास आकलन करेगा तो आपके पास अवसर है कि उसमें एक प्रमुख नाम आपका भी हो। आप गर्व से यह कहें कि मैंने देश के लिए नई व्यवस्थाओं के सृजन में भूमिका निभाई है, व्यवस्थाओं को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार देते रहेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग हर पल हमारी कोशिश रहनी चाहिए, खुद के लिए भी, साथियों के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी। हमें उत्तरोत्तर नई ऊंचाइयों को पार करने की स्थितियों को प्राप्त करता ही रहना होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 पुरस्कार विजेताओं को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया। बता दें कि इस बार 5 चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने नवाचार के अंतर्गत राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पुरस्कार जीतने वाले सिविल सेवकों को बधाई भी दी।
उन्होंने कहा कि आज यहाँ जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देश की सफलता में विजेता सिविल सेवकों की भागीदारी को प्रमाणित करते हैं, उनके सेवा भाव को दिखाते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों पर ई कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। उन्होंने कहा कि ये देखकर भी अच्छा लगा कि इस वर्ष सिविल सेवा दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई है। विकसित भारत के निर्माण के पीछे क्या सोच है, ये उस पुस्तक में भी झलकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षा को सपोर्ट करे। देश में आज के दिन सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। आजादी से पहले काफी विरोध के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को खुद को साबित करने के लिए सिविल सर्विस परीक्षा की शुरुआत की थी। हालांकि 50 सालों तक इस परीक्षा लंदन में ही होती रही। साल 1922 में भारत में इस परीक्षा की शुरुआत की गई। इसके बाद 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आइए एक नजर डालते हैं भारत में सिविल सर्विस के इतिहास पर। सिविल सर्विस गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऐसे बॉडी को कहते हैं जिन्हें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूट किया जाता है। ये ना तो पॉलिटिकल होते हैं और ना ही ज्यूडिशियल। भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राचीन काल से ही स्थापित है। सिविल सर्विस का विचार भी भारत के इतिहास में पहले से प्रभावी रहा है। पुराने समय में सिविल सर्वेंट्स राजा के राज कर्मचारी का रोल निभाया करते थे। मौर्य काल में इन्हें अध्यक्ष और राजुक नाम से नियुक्त किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय भी सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी। इसके बाद मध्यकाल में सिविल सर्वेंट्स का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान इत्तेदार सिविल सर्वेंट्स का रोल निभाया करते थे। वही मुगल काल के दौरान अकबर ने एक भूमि राजस्व प्रणाली प्रारंभ की, जिसके कार्यान्वयन के लिए नए पदों का सृजन किया गया, जिन्हें मनसबदार कहा गया। मुगल काल के नौकरशाहों ने राज्य के विकास में अहम योगदान दिया था। भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। कॉर्नवालिस ने इन सेवाओं को पेशेवर सेवाओं में परिवर्तित कर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उपकरण बनाया। 1857 में मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवाओं में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा को लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवाओं को भारतीय लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को लागू करने का साधन बनाया गया। इन सेवाओं ने स्टील फ्रेम की तरह कार्य करते हुए भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाने का कार्य किया। वर्तमान में भारतीय सेवाओं की प्रकृति रेगुलेटर के स्थान पर कोऑर्डिनेटर की हो गई है। सुशासन की बढ़ती मांगों, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार, अधिकारों के प्रति जागरूकता, सेवा प्रदाता राज्य की अवधारणा आदि स्थितियों ने सिविल सेवाओं की तटस्थता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और दक्षता में वृद्धि कर उसे सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में उन्मुख किया है। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।